ऑनेस्टली चिड़ियाखाना टाइटल से मुझे बिल्कुल वो चिड़ियाखाना जैसा हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली इट्स चिड़ियाखाना, इट्स मोर देन दैट। एंड ये 110% एंटरटेनिंग फिल्म है, एज पे बैठ के मैंने देखी है। और इस मूवी की ख़ास बात यह है कि प्रशांत नारायण लेजेंड नामदेव जी, गोविंद नामदेव जी और यू नो रवि किशन जी, रागेश्वरी जी और प्रशांत तिवारी जी हिमसेल्फ इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। उनकी ये क्राफ्टिंग, जब मैं सोच के गया था कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, 110% इन लेजेंडरी एक्टर्स के बीच ये यंगस्टर्स, इन लोगों ने तो फिल्म तोड़ दी है। और ऐसी बैटिंग की, बैटिंग नहीं, फुटबॉल फुटबॉल गेम यार, व्हाट अ गेम यू प्ले। थैंक यू ऋत्विक, नो वंडर यू सरप्राइज्ड क्राफ्टमैन एक्टर्स। एंड ये फिल्म कमाल के स्टैंड आउट होने वाली है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टीम। थैंक यू सो मच। एंड ऋत्विक, थैंक यू सर। हाँ यार, आपको भी जानवर देख रहे हैं। बट ये क्यों है, इनके पीछे ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। एंड 110% इज गोनो गिव यू 100% एंटरटेनमेंट फुल ऑन। चीयर्स गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। या फील्स अमेजिंग, मतलब इसीलिए काम करते हैं कि एंड में जाके लोग देखें और यू नो बताएं उन्हें कैसे लगे। चलो ठीक है, आई एम ग्लैड इट्स स्टिल द सेम, बट बहुत मज़ा आया इतने सारे लोगों के साथ देखने में। अभी इससे पहले भी मैंने एक ही बार देखी थी, बट वो भी अकेले देखी थी और कुछ लोगों के साथ। बट आज ऑडियंस आई है, नवीन सर आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं देखने और सबके चेहरे पे स्माइल देख के अच्छा लग रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। 2 जून को फिल्म आ रही है थिएटर्स में, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप जाइए देखिए थोड़ा समय निकाल के। थैंक यू, थैंक यू। और ये रिपीट वैल्यू है इस फिल्म को। हाँ जी, हाँ जी, 100%। हाँ जी, चीयर्स। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग ऋत्विक को मैं पहले से देखते आ रहा हूँ, पहली बार मिला हूँ, बट ऋत्विक बहुत अच्छा परफॉर्मर है और हर हमेशा एक नए कैरेक्टर के साथ प्ले करता है। ये वाली फिल्म तो बहुत ही अमेजिंग है। मुझे लगता है ये दोनों के लिए है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। बहुत बैलेंस किया गया है ऐसे कि दोनों कैटेगरी में लोग देख सकते हैं। और प्रशांत सर हैं, वो तो शुरू से ही लेजेंड है और उनकी परफॉर्म के बारे में क्या ही बोले, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। और एक नया कैरेक्टर फिर देखने को मिला प्रशांत सर के लिए भी, तो बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। सब लोग देखें और मुझे तो लगता है इसे अवार्ड भी मिलना चाहिए इस फिल्म को। मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी दुआएं कि ऐसे ही काम करते रहें। ऋत्विक का लास्ट का जो जब गोल करता है, वो धड़कन ऐसी रुक गई थी कि वो गोल होगा कि नहीं होगा, और क्या सरप्राइज था। अमेजिंग, अमेजिंग शॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ ऑन द 2 जून ज़रूर ज़रूर सब लोग देखें। और हर एक इंसान के लिए फिल्म है, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, सबके लिए। बहुत सिनेमाज में आइए, देखिए 2 जून, ज़रूर देखिए आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुद को मज़ा आएगा देखने में। सालों बाद देख रहे हैं फिल्म को, शूटिंग के वक्त जो मज़ा किया था वो कैसा दिख रहा है स्क्रीन पे, आप वो देखना मिले। कैरेक्टर का नाम है बाबू, जो BMC स्कूल का गुंडा है, क्योंकि वो BMC स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन है। वो सूरज के साथ यानी ऋत्विक के साथ एक ही क्लास में पढ़ता है और वो सूरज को पसंद नहीं करता। तो जब सूरज फुटबॉल टीम में आने की कोशिश करता है तो वो कैसे अपने टेरिटरी को बचाता है, क्योंकि वो उस तरीके का बंदा है जो पसंद नहीं करता कि कोई उसके टेरिटरी में आके घुसे, कोई उसको डोमिनेट करे। तो इस तरीके का। थैंक यू, थैंक यू भाई। मेरे हिसाब से तो बहुत कमाल की फिल्म है। आज जब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, लेकिन ऐसी रॉ और रियल फिल्म जो आपको कनेक्ट करती है ह्यूमन लेवल पे, ऐसी एक चिड़ियाखाना है। और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि इतनी अच्छी फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। भले ही छोटा किरदार है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म। थैंक यू सो मच। आई रियली एंजॉयड वॉचिंग द फिल्म।
बच्चों के पिक्चर है, स्पोर्ट्स की पिक्चर है. इंसिडेंटली द वर्क दैट आई डू नाउ इज ऑल्सो रिलेटेड विद चिल्ड्रन एंड विद स्पोर्ट्स. सो आई फेल्ट दैट मैं ये बोल चुकी हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों के लिए खेल का मैदान हो और प्ले को प्रायोरिटाइज किया जाए, स्पेशली इन द एजुकेशन सिस्टम. सो आई थॉट दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट and the performances were really really good. So I totally enjoyed watching the film. It's a sweet film and I hope everybody goes and watches it in the cinemas on 2nd. Some scene or any particular moment that you really loved about Chidiyakhana? I liked when he says thappad khayegi, when she says something sweet and he says thappad khayegi. So I thought that was very cute. Thank you so much. Thank you. Pichle 5 saal pehle hum logon ne ye shoot kiya tha और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. मनीष जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस अभी फिल्म देखने का. एक पॉलिटिशियन है, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, खाक सेल्फिश किस्म का पॉलिटिशियन है, भाव नाम है इसका. और इस तरह के कैरेक्टर्स हम आम जिंदगी में देखते ही हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ. ये ऐसे सेल्फिश कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको इस बात से कोई परवाह नहीं होती कि उनकी सेल्फिश एक्टिविटीज़ से हमारे देश को, हमारे समाज को क्या नुकसान हो रहा है, हमारे आने वाली जनरेशन को क्या नुकसान हो रहा है, वो अपना काम करते हैं. सर साथ ही ये भी जानना चाहूँगा, आपने कहा 5 साल लग गए इस मूवी को बनाने में, इतना टाइम क्यों लगा? 5 साल नहीं लगे, इस फिल्म को बनने के बाद रिलीज़ होने में 5 मतलब टाइम लगा. क्यों इतना टाइम पता नहीं, ये तो ओके. बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी फिल्म है और स्पोर्ट्स पे इतने कन्विक्शन के साथ फिल्म बनाई है कि मतलब जब आप फुटबॉल देखते हो बच्चों का तो आपको लगता ही नहीं है कि कहीं से कोई ट्रिक की है या किसी और तरीके से बनाया है. मतलब फुटबॉल इतना कन्विंसिंग तरीके से मैंने नहीं देखा और बहुत ही डेयरिंग स्टेप है मनीष भाई का, जिस तरह की कहानी उन्होंने रची है. और इस तरह से आई होप कि हमारे जो देश में फुटबॉल को और बढ़ावा मिलेगा, उसको चाहने वालों का और बढ़ावा मिलेगा. अभी तक तो हम सिर्फ दर्शक ही बने हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन इस फिल्म से एक आशा जगती है हमारे यहाँ फुटबॉल खेलने का जज्बा और पैदा करने के लिए और जो उसके चाहने वाले हैं उनको देखने के लिए. आप फुटबॉल खेलते हो? जी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं 2 बार स्कूल चैंपियन रहा हूँ, जोनल चैंपियन रहे हैं हम लोग. तो हमारा भी तो मैं काफ़ी कनेक्ट करता हूँ इस फिल्म से, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के प्लेयर थे तो हमें कई जो वहाँ के जो कॉन्वेंट स्कूल और बड़े स्कूल थे उनके बच्चों के साथ खेलना पड़ता था और सेम स्टोरी होती थी कि हमारी हाइट कम थी और उनकी बड़ी बड़ी. मुझे बच्चों का किसी बच्चे से दिक्कत नहीं है, चाहे वो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं. मतलब बात यह है कि जो जज्बा है, जो जो गरीब लोगों में जो जज्बा है, उस जज्बे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन मिलनी चाहिए जो इस फिल्म में दर्शाया गया. तो मैं इस फिल्म को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहूँगा. मनीष जी आपको कैसे लग रहा है दीपक जी आज आपके साथ हैं, वो भी फुटबॉलर है? हाँ, मतलब अंतर ये है कि मैं फुटबॉलर नहीं था, मुझे फुटबॉल की फैंटेसीज थी. मैं बोर्डिंग स्कूल में था, देखता था कि फुटबॉल खेली जाती है तो वो डाला है. बट थैंक यू दीपक जी फॉर सो मच ऑफ सपोर्ट. बहुत बढ़िया, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी. थैंक यू सर. कैन यू प्लीज आस्क पीपल टू कम टू द थिएटर टू वॉच दिस जी. मैं सब लोगों से कहूँगा इस फिल्म को ज़रूर देखें, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए. अगर और हर एक जो मैं भी पेरेंट हूँ अभी, मतलब है ना, तो मेरा बच्चा भी फुटबॉल खेलता है बहुत अच्छा. तो मैं उसके पूरे ग्रुप को जितना भी है 41st से लेके जितने भी फुटबॉल क्लब हैं हमारे मुंबई में, मैं उन सब के कोचेस को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आएँ और इस फिल्म को देखें, आप रिलेट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सर. थैंक यू. कम लग रहा है अब ये, दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू. सो आई गेस यू नो फुटबॉल की भी तारीफ हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के, यू नो. और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेरे फुटबॉल कोचिंग स्किल से ज़्यादा फिल्म की तारीफ हो. और मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि जितने भी लोग आए यहाँ पे फिल्म देखने के लिए, उनको सभी को फिल्म बहुत अच्छी लगी. और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको यू नो आपके दोस्त लोग जो आपको कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो लोग एकदम खुल के तारीफ करके गए आपकी. जो ये वही लोग हैं जो आपको गाली भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत दिल से, बहुत खुल के इस फिल्म को एंजॉय किया. एंड आई एम
extremely proud of this film. It's a very special film for me, and I would like to request everybody to go and watch this movie. It's releasing on the 2nd of June, and I promise you it's going to be a very enjoyable fare. So you were saying something about him. I wanted to join him and tell him that. अच्छा, क्या बोलने वाला तू? प्रशांत नारायण का मैं दिल से फैन हूँ और मर्डर टू लोगों के लिए इनका इंट्रोडक्शन है, लेकिन उसके पहले हमने एक फिल्म की थी, बदकिस्मती से वो मीडिया तक नहीं आ पाई, लेकिन आज यार इतना कॉम्प्लेक्स मत दो आर्टिस्टों को यार, क्या आपके सामने रहते बेचारे बच्चे डर जाएंगे यार। मेरा तो कोई भी ऐसा लड़का नहीं था यार जो जिनको मेरे से कोई तकलीफ हुई हो फिल्म के दौरान। नहीं, फिल्म के दौरान नहीं, जब भी स्क्रीन पे प्रशांत नारायण आते हैं वो मतलब आर्टिस्टों की भूख मिटा देते हैं, जो इनसे एक्सपेक्टेड होता है वही करते हैं, और कमाल, मैंने कमाल देखा इस फिल्म में भी। वेरी गुड। और तिवारी साहब, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर, सो थैंक यू फॉर दिस मूवी, सीरियसली तिवारी सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, एंड ये फिल्म कमाल की फिल्म है। मैंने जैसे दिल दोस्ती ईटीसी वो फिल्म भी मैंने दो दो तीन तीन बार देखी है, एंड उस फिल्म में भी आई थिंक श्रेयस और उनको आपने इतने कमाल के क्राफ्ट में आपने यूज़ किया, इस तक देखी, फिर ये देखी सर, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, एंड इट्स इज डेफिनेटली एन अवार्ड विनिंग फिल्म। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट टीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बता दो हमारे फिल्म के बारे में, कैसे लगी आपको आपकी पिक्चर? बहुत मस्त लगी हमको, तो मज़ा आ गया देख के, इतने साल बाद देखा, बहुत मज़ा आया। क्या करना है, रैप करना है क्या? मेरा करूँ क्या मूवी का? मूवी का मैं कुछ कर सकता है, फिल्म के बारे में तो कर, वरना तेरा कर। हाँ मूवी का ही कर रहे हैं। परिवार वाले मेंबर ना कोई बाहर वाले क्या, हाँ घर पे जाना भी जरूरी, आई कर रेली वेट पर अपनी आदतें भी पहले जैसी हरदम करते लेट, और हमेशा कोशिश जारी अपनी खुद को देखने के लिए, वो जो भी है बस मेहनत जिससे नौकर बनते सेठ, अपन जिधर जाते साथ हो स्वाद, कला की कदर करते अपन साथ बहुत हार, चला दो बत्ती अभी पॉजिटिव वाइब कूल डाल, और खुद को रख के आगे नेगी वाइब कूल डाल, ये दैट्स राइट, ये है बात, ये बात। I've done a song for this movie. It's an amazing sports movie, first of all. So this song is about the, you know, enjoying a sport, and you know about the power that you get when you play on the field. So it's an amazing song called Le Balaiya, rap version. I'll sing the hook of the song. चिड़िया खाना ये खेल है, मस्ती में खेले जमाना, हाँ चिड़िया खाना या जंगल के राजा, हाँ शेर बुलाना, ए मारे जो गोल तो दुनिया है पैरों में, छोटे इलाके के सिर्फ फेमस शहरों में, गुरु का हाथ और लौंड का साथ जो मिला उजाला अंधेरों में, ए पैरों में ताकत है, लाते हम आफत है, भिड़ेल जो हम चाशी त्यासाठी घातक है, शहर के शेर हम खेल खेते थे अंडरडॉग, मेहनत और माँ की इबादत है क्या, लेट्स गो। अभी इतने अच्छे अच्छे रैप तो आप लोगों ने सुनी लिए, अब फिल्म कितनी अच्छी होगी ये आप सोच ही सकते हैं। अगर रैप इतने अच्छे हैं तो फिल्म तो उससे भी अच्छी है, तो प्लीज़ आइए और हमारी फिल्म देखिए 2 जून से चिड़ियाखाना इन थिएटर्स नियर यू। सी, बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए ये, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम काम करता हूँ, तो जो भी रिलीज़ होता है वो उस टाइम का जो एक्साइटमेंट जो है वो मेरी पहली फिल्म जैसा ही है, यू नो, तो छल मेरी पहली फिल्म थी, चिड़ियाखाना रिलीज़ हो रही है तो उस एक्साइटमेंट जैसे वो रिलीज हुआ था उस टाइम पे जो एक्साइटमेंट था वैसे एक्साइटमेंट आज भी है, एंड आई रियली विश द फिल्म ऑल अ सक्सेस, एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। मेरा कैरेक्टर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, इट्स अबाउट मैं गोविंद नामदेव जो कि वहाँ के लोकल MLA हैं, मैं उनका असिस्टेंट का रोल कर रहा हूँ, जो पहले बचपन में फुटबॉल खेला करता था,
और चूँकि एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है यहाँ पे जहाँ पे एक बीएमसी स्कूल के ग्राउंड को बचाने के लिए ये भी उन बच्चों के साथ जुड़ जाता है और उनकी मदद करता है कि वो लोग थोड़ा ट्रेनिंग करें, थोड़ा अच्छा फुटबॉल खेलें और वो किसी भी तरह से वो बीएमसी ग्राउंड को वो बचा सकें। तो माय फेवरेट फुटबॉलर, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल बट देन ऑब्वियसली द ऑब्वियस पीपल आर मेसी एंड रोनाल्डो एंड हैरी केन एंड देर आर मैनी पीपल लाइक दैट। या 75 रुपीज़ का क्या है कॉइन? कहाँ है? आने वाला भी आ जाएगा। अच्छा, तो क्या कहेंगे? 2000 की नोट भी साथ में? अरे मुझे से कोई मतलब नहीं यार, मेरे जेब में 100-200 रुपए रहते हैं, उसको रहने दो। 75 रुपए का कॉइन लेके वो खो जाएगा मेरे से। दिस इज समथिंग दैट व्हिच इज वेरी स्पेशल फॉर मी एंड आई एम हियर फॉर माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड जयेश कड़क जिसका बाबू कैरेक्टर है। सो आई होप दिस इज लाइक अ बिग थिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर टीम। थैंक यू। So this song is called Le Balaya. It's a rap version. It's gonna be out soon, the video as well. So it goes like Chidiya Khana, ye khel hai masti ka khel hai zamana. Ha chidiya khana, ya londe hai jangali paas nahi aana. Ha chidiya khana, ye khel hai masti ka khel hai zamana. Ha chidiya khana, is jungle ke raja ha sher bulana. Thank you. Thank you. Yeah, I'm there for him and his film, and he has put his, you know, all the best energies and all the best, you know, cast and crew put together. So this is going to be a very good film about like children, about football, about more to do with the Chidiya Khana. I really want to see सारे जो animals हैं और एक football team में किस type की personality निकल कर आती है इसमें. So it's going to be really nice. बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट भी है, लुकिंग फॉरवर्ड। एक तो कल बारिश हो गई ना, बहुत दिल को मतलब एवरीवन वाज सो अपसेट। आई एम रियली रूटिंग फॉर चेन्नई, चेन्नई इज ऑलवेज बीन माय फेवरेट, बट अभी देखते हैं आज क्या होता है। दोनों ही टीम इस एक्चुअली पूरा सीजन बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग था, ईच वन गिव देयर बेस्ट। सो या nation really wants to know, internationally also everyone wants to know who's going to play well, but rooting for Chennai. 75 rupees ka coin hai, thank you yaar, mujhe batane ke liye, mujhe pata hi nahi tha. ha parliament ka to pata hai. हाँ जी हाँ जी, अरे वाह, 75 पे कॉइन आया है, वेरी गुड यार, लाइक एवरीवन शुड रियली एंड थैंक यू फॉर द लाइट। ये आपने जो 75 के जो कॉइन आया है उसकी बात पे लाइट भी आ गई, विच इज़ वेरी नाइस। नो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी कैन एक्चुअली एंजॉय द कॉइन्स अगेन। एक दिन मैंने 20 रुपए का कॉइन देखा था, आई वाज लाइक वाओ वेरी नाइस, आई कैन यूज इट अगेन। सो नाउ 75 रुपीस का कॉइन इज स्पेशल एंड आल्सो 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वेरी क्लोज टू 100, तो इट गिव्स अ गुड फीलिंग। सो आई होप वी यूज दिस कॉइन वेल एंड वी आल्सो एंजॉय, बिकॉज हमें लगता है कि जितने भी कॉइन्स आने थे, हिस्टोरिक चीज़ें होनी थी, वो हो चुकी हैं। अगर हम आज में कुछ नया ना करें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हिस्टोरिक ना करें, ऐतिहासिक ना करें, तो फिर जीने का क्या फ़ायदा है? तो इट्स सो नाइस, हम बोल सकते हैं कि 75 रुपीज़ का कॉइन हमारे ज़माने में आया था, दिस इज़ वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा लग रहा है और फुटबॉल के ऊपर फिल्म है, स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म है और हमारी इतनी बड़ी आबादी है तो मतलब सबको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और देखते हैं इसमें क्या है और आशा करता हूँ मज़ा ही आएगा। हाँ जिस तरीके से सर आपकी वीडियो फिल्म आई थी थिएटर में, इतनी खुशनाक तरीके से चली थी, ओटीटी पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं अच्छा है, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत लोग नहीं देख पाते थिएटर में, फिर वो ओटीटी पे देखते हैं, तो फिल्म देखते रहना चाहिए है ना, कि क्या बनाए क्या है, ये है गुड। थैंक यू थैंक यू।
Well, I mean, it's a very universal truth actually about, you know, hum log sab mein jo hai ek tiger chupa hi hai. And we are all underdogs. We've all come from different places to make our place in Mumbai city. And I think it's because of the fact that we all have tigers within us. That is the reason why we leave our hometowns. We come to all kinds of different places to make our name, to see to it that, you know, people remember us even after we pass away. थोड़ी दारू चलाई लेकिन यू नो लेकिन टाइगर जगाने के लिए आपको उसका राइट मोटिवेशन अगर मिल जाए तो हर किसी का टाइगर एट द राइट टाइम जग ही जाता है. परफॉर्मेंस एंड मैं यहाँ मनीष जी के लिए आया हूँ तो only looking forward. बहुत दिनों के बाद ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, उसके उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक फिल्म एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये जो एक्टर्स हैं इसमें मंझे के खिलाड़ी हैं तो उनको देख के तो मज़ा ही आएगा. और प्रेमाइस थोड़ा नया है, चिड़ियाखाना वाइब है, अच्छा इट्स गुड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सर. थैंक यू.